नमस्कार हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां पहुंची, सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान। धर्मशाला पच्चाद में आखिरी दांव, बीजेपी कांग्रेस के सामने निर्दलीय बने हड्डी। मतदान से पहले बीजेपी नेता की दादागिरी, गुस्से में धमकाकर बोले कर दो शिकायत। कुलदीप राठौर ने मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजा पत्र, बिंदल और महेंद्र की शिकायत की। युवाओं से बोले जयराम, रोजगार मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो। हक की लड़ाई को आंदोलन का रूप देंगे कर्मचारी, कामकाज होगा बंद। बिलासपुर बस स्टैंड से विदेशी पर्यटक लापता, तलाश को भटक रही पत्नी। पार्वती नदी में चट्टान में फंसा मिला पर्यटक का शव, रात को टहलते हुए फिसला था पैर। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला पच्चाद विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार को पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्टेशन पर पहुंच गई हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 82,000 से अधिक मतदाता हैं, जबकि पच्चाद विधानसभा क्षेत्र में 74,000 से अधिक मतदाता हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अब सोमवार को होने वाले मतदान के लिए रात भर वोटरों पर नजर रहेगी। चुनाव आयोग की भी इस बात पर पैनी नजर है कि कहीं कोई किसी तरह से किसी को गलत तरीके से अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश ना करे। चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही कल शाम से चल रहा डोर टू डोर प्रचार आज भी उतनी तेजी से जारी है। सोमवार को होने वाले मतदान के लिए आज आखिरी दांव खेले जा रहे हैं। बात चाहे धर्मशाला की करें या पच्चाद की, दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक तो निर्दलीय बीजेपी कांग्रेस के सामने हड्डी बने हुए हैं। धर्मशाला में कुल 7 जबकि पच्चाद में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। 24 अक्टूबर को मतों की गिनती होगी। पच्चाद विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ते ठाकुरद्वारा में आज सुबह कांग्रेस प्रत्याशी गंगूराम मुसाफिर की बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता से बहसबाजी हो गई। तकरार इस बात को लेकर बढ़ गई कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नियमानुसार विनय गुप्ता पच्चाद से बाहरी होने के चलते यहाँ नहीं रुक सकते हैं। इस पर बीजेपी नेता कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि आप कहीं भी शिकायत कर दो। विनय गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस बिना वजह मामले को तूल दे रही है। वे एक शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे और यहां चाय पीने बैठे थे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एक और पत्र मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजा है। कहा है कि प्रचार समाप्त होने के बावजूद डॉक्टर राजीव बिंदल व आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पच्चाद में डेरा जमाए हुए हैं, जो कर्मचारियों पर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रहे हैं। अगर दोषी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम शिक्षा के वास्तविक अर्थ को भूल गए हैं, क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना और परीक्षा के दौरान उसे लिखना मात्र नहीं है। शिक्षा का सही अर्थ विद्यार्थियों की कुशलता को बढ़ाना और उनमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान पैदा करना है, ताकि शिक्षा समाप्ति के पश्चात वे रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार प्रदान करने वाले बन सके। ये बात सीएम ने सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर में राज्य स्तरीय ज्ञान विज्ञान मेले की अध्यक्षता करते हुए कही। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने आने वाले समय में बड़े आंदोलन करने,
कामकाज बंद करने व सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने तक का फैसला लिया है। ये बात मंडी में आयोजित न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि नेताओं के सैलरी भत्ते बढ़ाने के लिए सभी नेता नए कानून बनाने में देर नहीं लगाते, लेकिन कर्मचारियों को पूरी जिंदगी काम के बदले में मात्र कुछ हजार रुपए की पेंशन दी जा रही है। विदेश से घूमने के लिए हिमाचल आया एक पर्यटक बिलासपुर बस स्टैंड से लापता हो गया। पर्यटक के साथ आई उसकी पत्नी करीब दो घंटे बस अड्डे तथा आसपास में पति की तलाश करती रही। अपनी भाषा में जोर जोर से आवाज लगाकर पति को पुकारती भी रही, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। विदेशी महिला को इस तरह बस अड्डे पर घूमते देख लोगों का जमावड़ा लग गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने भी लापता पर्यटक की तलाश की, पर सुराग नहीं लग पाया। पुलिस विदेशी पर्यटक की तलाश कर रही है। मणिकरण घाटी के कसौल में छलाल के पास पार्वती नदी में बहे फैजाबाद के पर्यटक का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। रविवार सुबह एनडीआरएफ व स्ट्रीमलाइन एडवेंचर के सदस्यों के सहयोग से चट्टानों के बीच फंसे पर्यटक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। फैजाबाद निवासी मनीष अपने दो दोस्तों के साथ कसौल घूमने आया था और वे कसौल में होटल राज पैलेस में ठहरे थे। तीनों नदी के किनारे घूमने गए थे, जहां पर मनीष पार्वती नदी में गिरकर लापता हो गया था। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।